गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 3 जून के करंट अफेयर में आप लोग का वापस स्वागत है। तो मैं अर्चना सिंह आप लोग का सक्सेस मंच पे स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं देश और दुनिया में क्या नया हुआ 3 जून 2020 को, क्या क्या इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक्स्ट्रा कोई भी फैक्ट नहीं करेंगे इसमें, हम लोग MCQs प्लस डिस्क्रिप्शन दोनों करेंगे। और आज की वीडियो सीरीज़ में मैं आपके लिए न्यू एक महत्वपूर्ण दिवस भी लेकर आई हूँ। तो ये महत्वपूर्ण दिवस हम लोग करेंगे अभी 5 जून तक, जब तक आज 3 जून है तो वो करंट अफेयर, सॉरी यहाँ पर 3 जून आएगा, ये 3 जून की करंट अफेयर हम लेकर आए हैं। तो आज 3 जून है तो हम लोग 1 से 5 जून तक की करंट अफेयर में जो महत्वपूर्ण दिवस है वो यहाँ पर हम डेली 5 जून तक यही देखेंगे। फिर 5, 6 जून से और 10 जून तक हम 6 और 10 के बीच में जो जो डेज होते हैं वो देखेंगे, ताकि आपको ये पूरे अच्छे से लर्न हो जाए। तो चलिए देखते हैं। 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, 1 जून को ही मनाया जाता है माता पिता का वैश्विक दिवस, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ये आप लोग याद रखेंगे। 2 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर डे या इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। 2 जून को ही मनाया जाता है तेलंगाना का गठन दिवस, तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 4 जून को मनाया जाता है मासूम बच्चों की अंतर्राष्ट्रीय पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मतलब कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। तो ये आप याद रखेंगे ये जो भी मैं दिवस बता रही हूँ। 5 जून को एज यू ऑल नो विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो 5 जून को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी मैं थीम भी आप लोगों को आने वाले क्वेश्चंस में जो भी MCQs आएंगे उसमें बताती जाऊंगी, ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं जैसे कि 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इसकी इस साल की थीम क्या है, तो वो भी हम साथ के साथ करेंगे। तो ये जो डेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इसमें दुग्ध दिवस और यहाँ पर एक तेलंगाना का गठन का दिन और ये 5 जून, ये 3 जो डेज हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाय जो बाकी जो बचे इसमें डेज हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो चलिए आज का MCQ देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं आज की डेज में। तो पहला क्वेश्चन है, बॉलीवुड की मशहूर संगीतकार जोड़ी आप लोग जैसा कि जानते ही होंगे साजिद और वाजिद में से वाजिद खान का हाल ही में निधन हो गया। इनका कोरोना से निधन हुआ, बट हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हुआ, कोरोना था इनको। और इनका कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो अभी इनकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, 42 ईयर्स के ही थे। तो इनका 42 ईयर्स में निधन हो गया, ये कोरोना के संक्रमित होने के साथ लंबे समय से किडनी की समस्या से भी जूझ रहे थे, इसी कारण कोरोना का अटैक उन पर ज़्यादा हुआ और सब ने इनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सिटी ने PG विभागों अंगीभूत और एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट को इस वर्ष अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने की घोषणा की है, मतलब कि बिना एग्जाम के अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, तो ये किया है रांची यूनिवर्सिटी ने। लास्ट सेमेस्टर की यहाँ परीक्षा होगी, इस प्रस्ताव के लिए मंजूरी के लिए एकेडमिक काउंसिल में इसे रखा जाएगा, मतलब कि अगले सेमेस्टर में यहाँ प्रमोट करने की घोषणा की गई है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आप देखना आगे पूछा ही जाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरुआत की है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है मेरा जीवन मेरा योग, ये गलती से हो गया था। तो इसने देश में योग को महत्व देने के लिए मोदी जी ने मेरा जीवन मेरा योग नाम से वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की है, और इस प्रतियोगिता को ICMR और आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जून से शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है, तो ये पंजाब राज्य सरकार ने घोषणा की है। यह अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 2 रुपये से 50 रुपये तक का होगा, और इस अतिरिक्त उत्पाद राशि को सरकार COVID-19 संबंधी खर्च के लिए उपयोग भी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच लगाया गया है, तो ये लगाया गया है दिल्ली सरकार ने। यहाँ पर राज्य सरकार के अनुरोध पर रेलवे ने 160 बेड के साथ 10 नॉन एसी कोच और हेल्थ केयर स्टाफ के लिए एक आइसोलेशन कोच को लगाया गया है, तो ये दिल्ली सरकार में सर्वप्रथम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व न्यायाधीश KG बालाकृष्णन ने हाल ही में किस पर एक नई जीवनी जारी की है, तो ये नई जीवनी हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर जारी की गई है।
इसका शीर्षक नरेंद्र मोदी समृद्धि और विश्व शांति के अग्रदूत, ये आप याद रखेंगे। ये पुस्तक किसने लिखी है, जीवनी किसने लिखी है, तो ये आप याद रखेंगे, केजी बालाकृष्णन ने। इस जीवनी में मोदी के बचपन की तस्वीरों से लेकर दुर्लभ किस्सों को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसलिंग फेडरेशन ने लगातार कौन से वर्ष खेल रत्न के लिए विनेश फोगाट का नाम भेजा है, तो ये भेजा है लगातार दूसरे साल। पिछले साल भी भेजा गया था, पिछले वर्ष बजरंग पूनिया को खेल रत्न से सम्मानित किया गया था, बट नाम उनका भी भेजा गया था, जबकि रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, रविशंकर प्रसाद ने युवाओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो इन्होंने लॉन्च किया है रिस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ पोर्टल। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संचार और कानून न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल और फॉर यूथ नामक प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये कार्यक्रम युवाओं को सशक्त भविष्य और पूर्ण रूप से डिजिटल बनाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संचार और कानून न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का पोर्टल। इसका नाम इन्होंने रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मतलब कि AI.gov.in, ये इस पोर्टल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है अरुण सिंगल को। ये खाद्य नियामक के वर्तमान CEO GSG एंकर का स्थान लेंगे, तो ये बैंकिंग और SSC जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आज का ये क्वेश्चन इतना ही, होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। हमारी मेंस की सीरीज जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी, आज एक आध वीडियो ज़रूर मैं पब्लिश करूंगी मेंस की सीरीज़ में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।